वेलकम दोस्तों, ऑल माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इंजीनियर एसके समेले योग गुरु हिप्नोटिसिस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि पीएलआर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं और निश्चित रूप से पास्ट लाइफ में जाके और उस पास्ट लाइफ के किसी काम के कारण हमारे और किसी संस्कार के कारण इस जन्म में हम कई बार परेशानी आती है हमारे सामने, तो उसका संबंध पिछले जन्म से हो सकता है। इसको जानने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और हमने जिनका आज पीएलआर किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो एक बहुत बड़े एक राजनीतिक दल के बीजेपी के और दिल्ली में जो है जिले के उपाध्यक्ष हैं और बहुत ही विद्वान हैं और इनको बहुत अच्छा साइकोलॉजी का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, हिप्नोसिस का भी नॉलेज है, इस हिस्ट्री का भी बहुत अच्छा, और एक बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं श्री कपिल देव मिश्रा जी। तो दिल्ली से बहुत दिन से फोन करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले रहे थे और अपॉइंटमेंट लेके फिर मेरे पास आए, तो उनका मैंने पीएलआर किया पास्ट लाइफ में। जब गए तो इन्होंने सैकड़ों वर्ष पुराने अपने जन्मों का पूरा बहुत बहुत चौंकाने वाली और बहुत ही अद्भुत चीजें इन्होंने अपने पिछले जन्म की बताई, सैकड़ों वर्ष पुराने दो जन्मों के बारे में बताया और यहाँ तक कि इन्होंने दूसरे ग्रह की भी यात्रा की। ये जो है प्लेनेट पे पहुंच गए, दूसरे बृहस्पति ग्रह पर इन्होंने जाकर के वहां के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी हिप्नोसिस की अवस्था में जानकारियां दी हैं और निश्चित रूप से उन्होंने जो जहां जैसे जन्म हुए उनकी उनको बड़ी उत्सुकता थी जानने की और एक तो उन्होंने गूगल में सर्च करके उसकी पुष्टि भी करी है, उसकी ऑथेंटिसिटी भी उन्होंने जानने का उसको प्रयास किया है। तो देखिए आप लोग इस वीडियो में श्री कपिल देव मिश्रा जी का ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वीडियो। कौन सी नदी है पता कर सकते हो? 1, 2 and 3 यस। कौन सी नदी है? मंदिर के पास जाना है। मंदिर के पास जाओ, यस पहुंचो, मंदिर दिख रहा है वहां पे? अरे वाह, वेरी यस, 1, 2 and 3 मंदिर के पास पहुंच गया, फर्स्ट क्लास। मंदिर में साष्टांग प्रणाम करो जो भी है भगवान। कौन सी मूर्ति लगी है वहां पर मंदिर में, देख के बताओ। शिव जी। अरे वाह, क्या बात है, शिव जी, वेरी गुड, आप यू आर वेरी वेरी लकी पर्सन। आपको जो है हिमालय वो उत्तर का पर्वत पूरा बर्फ और मंदिर, ये सारी चीज वेरी नाइस। चलो मंदिर में भगवान के, उस मंदिर में देखो कौन कौन आता है। नंदी बैठे हैं, नंदी बैठे हैं सामने उस मंदिर में, ये देखो और लोग आते हैं पूजा करते हैं कि ऐसे ही पड़ा है मंदिर, लोग आते हैं एकांत में है, एकांत में है मंदिर। अरे वाह, फर्स्ट क्लास। वहां से देखो पांच तक गिनती गुनूंगा, साष्टांग प्रणाम करो शंकर जी भगवान के चरणों में, बहुत अच्छी बात है आपको शंकर जी भगवान का मंदिर मिल गया, वेरी नाइस। नाउ वहां से वापस नीचे आके मंदिर से वहां पर ढूंढो गांव, मकान, शहर कुछ होगा, 1, 2 and 3 स्पीड से ढूंढो वहां पर, क्योंकि मंदिर बना है तो डेफिनेट आदमियों ने बनवाया होगा, लोग वहां पूजा करने जाते होंगे पक्के में। हाँ, 1, 2 और 3 ढूंढो वहां पर। प्राचीन है, प्राचीन है। कितने साल पुराना है, कितने वर्ष पुराना है? 1200 वर्ष पुराना। कितना? 1200। जोर से बोलो, 1200 वर्ष पुराना, 700 ईस्वी का पुराना, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। 30 साल पुराना मंदिर है। उस समय आप उस जन्म में क्या थे, तो जहां वो मंदिर बना? राजपुरोहित थे आप, वेरी नाइस, ये पास्ट लाइफ, यस। 1200 साल पहले आप राजपुरोहित थे आप, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। जोर से बोलो, क्या थे? राजपुरोहित। वाह वाह, फर्स्ट क्लास। क्या नाम था उस समय आपका राजपुरोहित जी? आपका 1, 2, 3 नाम बता सकते? क्या नाम था आपका राजपुरोहित जी, आपका नाम क्या था उस समय? धर्मसेन। धर्मसेन, अरे वाह, वारे, वेरी नाइस, वेरी गुड। आपके फादर, पिताजी, आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम बताओ अपने, धर्मसेन। गंगा जी। जोर से बोलो, गंगाधर। गंगा, गंगाधर।
अरे वाह, उस समय आपकी उम्र क्या है? उस समय आपकी व्हाट इज द एज, आपकी एज क्या है? 40 40 के आसपास है, 40। वाह वाह, फर्स्ट क्लास। आपकी माताजी का भी नाम बता सकते हैं? 1 2 3 डीप। यस, माताजी का नाम बताओ। पिंगला। पिंगला। अरे वाह, फर्स्ट क्लास, ये वेरी नाइस। ये आप राज पुरोहित, बहुत ही अच्छी बात है। अपना वहां का घर मकान ढूंढो जरा, 1 2 3 अपने घर पहुंच जाओ आप, जहां पे माताजी पिताजी। यस, आप लोग कितने भाई बहन हो उस जन्म में? बड़ा आप बड़े भाई हैं, आपसे छोटे कितने हैं? बहन। बहन कितनी है बहनें आपकी उस जन्म में? एक बहन, बहन का नाम बताओ, बहन का नाम बताओ अपनी। यस, पुष्पा। पुष्पा। अरे वाह, फर्स्ट क्लास, दिस इज द पास्ट लाइफ। और आपके भाई है कि नहीं है? है नहीं है, बहन है पुष्पा। माताजी पिताजी, आप और आपकी बहन। अरे वाह, फर्स्ट क्लास। तो वहां गांव में रहते थे? कौन से गांव में, कहाँ पे है वो, किस राज्य का गांव है जहां आप लोग रहते थे माताजी पिताजी बहन, वो कहाँ का स्थान है? 1 2 3 बताओ, स्थान बताओ, कौन सा स्थान है वो, कौन सा स्थान है, स्थान बताओ। शिवपुर। शिवपुर। वेरी नाइस, शिवपुर। फर्स्ट क्लास, उस समय रहा होगा 12 साल पहले, शिवपुर। बेहतरीन, उस समय उस जन्म में आपकी शादी हुई थी? शादी हुई थी? बच्चे, बेटे। बेटे? कितने बेटे थे आपके? दो बेटे। दोनों बेटों के नाम बताओ। कुमार कुमार, और दूसरा रवि। रवि। और पत्नी का नाम, आपकी पत्नी उस समय की? कमला। कमला। ये दिस इज कंप्लीट हिस्ट्री। और आप बहुत धार्मिक व्यक्ति थे क्योंकि राज पुरोहित रहे हैं। वेरी nice. नाइस। ये बताओ कि उस जन्म का आगे कोई, अगले जन्म में कोई प्रभाव तो नहीं ऐसा पड़ रहा है कि जो परेशानी उत्पन्न करे, ऐसा तो कुछ नहीं है? कोई है, कोई ऐसी कोई बात? नंदी हंस रहे हैं। नंदी हंस रहे हैं। अरे वाह, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, बेहतरीन। मना कर रहे हैं, है नंदी सिर लगा, मना कर रहे मना कर रहे हैं? हैं। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? मत बताओ सारे। वो मना कर रहे हैं वो बताने के लिए। अरे वाह, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। चलो, उस जन्म में कोई खास चीज, किसी से कोई दुश्मनी बुराई तो नहीं थी? कोई दुश्मनी नहीं? अरे वाह, क्या बात है, बेहतरीन राज पुरोहित जी, फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। चलो और पता करके देख लो, उस जन्म में आपकी 1 2 3 डेथ कैसे हुई थी वो भी पता कर सकते हो। उस जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? यस, पता करो। युद्ध। युद्ध में? युद्ध में गए थे आप? क्यों, क्यों गए थे युद्ध में? किसके लिए लड़ा था युद्ध? ये जो होती काम पे, क्या होता था? ये जो होती काम पे हाँ, मध्य भारत में। हाँ मध्य भारत में। तो उस युद्ध में आप लड़े थे? किसकी हाँ ओर से लड़े थे? 1 2 3 किसकी तरफ से लड़े थे? किसकी तरफ से लड़े थे? कौन की तरफ से लड़े थे आप? यस, यू कैन स्पीक, बताओ। वो युद्ध जो है किससे लड़ा गया था? कुमार सेन की सेना। किसकी सेना? कुमार सेन। कुमार सेन की सेना, उसमें आप लड़े थे? वाह, उसी में आपकी डेथ हो गई फिर? उसी युद्ध में आपकी मृत्यु हो गई थी? तीर तीर लगा था लगा था हृदय हृदय में। जोर से बोलो, क्या हो गया था? लगा था। तीर लगा था हृदय में, युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नहीं, रख रथ लाए थे। में रख के लाए थे? कहाँ ले आए थे? मंदिर।
मंदिर में ले आई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कुछ दे दिया, कुछ दे दिया मैंने, कहा किसको दे दिया, गुप्तचर को, गुप्तचर को दे दिया। अच्छा क्या निकाल के दिया था आपने, राज थे, राज थे कुछ वो दे दिए थे गुप्त, पुरानी बात, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। उसके बाद आप एक दो और ये तीन, उसके बाद फिर आपका जन्म कब हुआ, फिर जब आपकी डेथ हो गई इस जन्म में, उसके बाद आप पता कर सकते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड 1 2 3, ये वाली डेथ होने के बाद कहां फिर आपका जन्म हुआ, कहां पहुंचे आप, उसके बाद का भी पता कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड कहीं भी कुछ भी क्या हुआ बताओ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर अगला जन्म हुआ क्या, हुआ, हुआ? कहां पर हुआ, वेरी नाइस, यस 1 2 3 बताओ, केरला, केरला में, अरे वाह फर्स्ट क्लास। उसके बाद भी जन्म हुआ केरल में, किस क्या हुआ था वो जन्म, केरल का बताओ डिटेल पूरा, अशोक नाम, अशोक नाम था आपका, हाँ। और आपके पिताजी का नाम उस समय जो दोबारा फिर जन्म हुआ, 400 वर्ष बाद हुआ, 400 साल बाद जन्म हुआ, 400 वर्ष बाद केरला में जन्म हुआ, वेरी नाइस फर्स्ट क्लास। केरला में कौन कौन थे उस परिवार में आपके, केरला वाला बताओ, मैं वैद्य था, आप क्या थे, वैद्य, वैद्य थे, क्या नाम था, कौन से वैद्य थे आप, राज वैद्य, राज वैद्य, क्या बात है, वेरी गुड फर्स्ट क्लास। आपके पिताजी माताजी सबके बारे में बताओ, यस पत्नी, पत्नी सुशीला, सुशीला वेरी गुड, और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे हैं उस दोबारा वाले जन्म में आपके, तीन बच्चे हैं, दो पुत्र, दो पुत्र, एक पुत्री, एक पुत्री, वेरी नाइस फर्स्ट क्लास। केरल के कौन से एरिया में, उस एरिया बताओ जरा, केरल में कौन सी जगह, केरला में, केरला में कौन सी जगह है वो, वन पट्टिल गांव, क्या नाम, पट्टिल, पट्टिल गांव, पट्टिल नाम भी राइट, वेरी गुड। और बताओ उस जन्म के बारे में, क्या काम, आप राज वैद्य थे है ना, वैद्यगिरी करते थे, वेरी गुड फर्स्ट क्लास। उस समय 400 वर्ष बाद हुआ आपका दोबारा केरला में जन्म, उस समय किसका राज्य था वहां पर केरला में बताओ, 1 2 3 किसका राज्य था, जब किसका राज्य था जहां आप राज वैद्य थे, नहीं आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वेरी गुड फर्स्ट क्लास। ये 400 साल बाद वाला आपका जन्म है, अच्छा इस वाले जन्म में भी आपकी फिर से यस 1 2 3 आपकी कोई विशेष कुछ चीज से दुश्मनी रही हो, कोई विशेष घटना आपके जीवन में, कुछ बताओ इस वाले जन्म की। राजा ने गलत दवा करवाई थी, राजा ने गलत दवा करवाई थी, किसकी, पत्नी को धन भिजवाया था, अपनी पत्नी को, पत्नी को धन भिजवाया था उसने अपनी पत्नी से, किस बात के लिए, किसी को गलत दवा देने से, गलत दवा देने के लिए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ उसके बाद, मैंने अपनी विद्या से समझौता नहीं किया, मैंने आपने अपनी विद्या से समझौता नहीं किया, वेरी नाइस फर्स्ट क्लास। फिर राजा गुस्सा हो गया क्या, फिर क्या किया राजा ने, समझौता नहीं किया तो फिर क्या हुआ उसके बाद, उसको राज करने के लिए मेरी हत्या करवा दी, राजा ने आपकी फिर हत्या करवा दी, इसको राज रखने के लिए, इसको राज रखने के लिए आपकी हत्या करवा दी, ओ वेरी सैड। और बताओ वहां के बारे में, मिठाई में विष मिलाया, मिठाई में विष मिलाया, वो किसको दिया, घर भेजा, घर भेजा, और अपनी राजपत्नी सुशोभिना, राजपत्नी सुशोभिना
हाँ उसने फिर पत्नी के मित्र थी, रात पत्नी की मित्र थी वो सुषोविना, फिर क्या हुआ? परोसा रात में परोसा, फिर सोते सोते रह गया। कौन सोते रह गया? रहे सो आपको दिलवाया गया जहर। हाँ ओफो, ये जहर दे के हत्या करवाई गई आपकी इस जन्म में। ओ ये नाउ वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। आप पिछले जन्म में एक बार जो है राजपुरोहित थे और शंकर जी के बहुत अच्छे भक्त रहे हैं। शंकर जी आपके साथ हमेशा से जुड़ाव रहा है, डेफिनेट है। वेरी नाइस फर्स्ट क्लास, आपके ऊपर ये बहुत अच्छी शंकर जी की कृपा है। मैं टच करता जाऊंगा, भगवान शंकर जी की कृपा आपके साथ में रहेगी हमेशा। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, पॉजिटिविटी, बिकॉज आप शंकर जी के बहुत अच्छे भक्त रहे हैं शुरू से ही। निश्चित रूप से पिछले जन्मों का आपने बढ़िया से वर्णन किया है, फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। और वो शंकर जी की कृपा आपके साथ हमेशा रहने वाली है निश्चित रूप से, और बहुत अच्छी बात है फर्स्ट लाइफ का आपका। और वेरी नाइस, यू आर डूइंग वेरी वेल, फर्स्ट क्लास। आप धीरे धीरे से बहुत डीप ट्रांस में हो, धीरे धीरे से वापस लाते हैं। ओके फर्स्ट क्लास कपिल जी, बहुत इजी गोइंग में आपका जो है। अब जब भी आप अभी उठेंगे बहुत जॉयफुल, बहुत हैप्पी, एनर्जेटिक, पूरे दिन आप एक गजब की ऊर्जा का उत्साह है। धीरे धीरे मैं आपको वापस इसी कॉन्शियस माइंड में ला रहा हूँ पिछले जन्म से। यू आर कमिंग बैक इन दिस लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, यस वन, यू आर कमिंग बैक प्रेजेंट लाइफ में। आप वापस आ रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं, और जॉयफुल हैप्पी आपके माइंड में बहुत अच्छा फील होगा। ये मैंने टच कर दिया, आप जब अभी वापस होने वाले हैं तो आपको लगेगा भारी एनर्जी शरीर के अंदर, माइंड हैप्पी, चेहरा एकदम खुश, बेहतरीन। यस वन, यू आर कमिंग बैक, आप वापस आ रहे हैं कॉन्शियस माइंड में, इस संसार में आप लौट रहे हैं। टू, और वेरी जॉयफुल एंड एनर्जेटिक फीलिंग के साथ में आप लौट रहे हैं। थ्री, और जैसे मैं फाइव बोलूंगा आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप एक अनंत ऊर्जा का उत्साह और एक हैप्पी और जॉयफुल मोमेंट आपके माइंड में। थ्री फोर और फाइव में आप बहुत ही इनर्जेटिक, फाइव यू कैन ओपन योर आईज, वेरी इनर्जेटिक एंड वेरी।